नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। आज हम आपको करवाने जा रहे हैं रहस्यमयी पत्थरों की तंग गुफा और दुर्गम सुरंगों के बीचों बीच स्थित भगवान शिव शंकर के पवित्र धाम गुप्तेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन। देवों के देव महादेव, भूत भावन भोलेनाथ, जिनकी महिमा अपार है। देश में भगवान शिव शंकर के ज्योतिर्लिंगों के अलावा उनके अनेकों धाम हैं, जो उनकी महिमा के दर्शन करवाते हैं। ऐसे ही एक शिवालय के दर्शन हम आपको कराने जा रहे हैं, जहां पर भगवान भोलेनाथ एक ऐसे दुर्गम स्थान पर विराजमान हैं, जहां पहुंचना किसी रोमांच से कम नहीं। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के इस अनोखे धाम की यात्रा पर। देवादिदेव महादेव के पूरे संसार में अनेकों मंदिर और धाम हैं। कहीं भोलेनाथ कंदराओं में विराजे हैं, तो कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर। लेकिन मध्य प्रदेश के बालाघाट के गुप्तेश्वर महादेव एक ऐसे स्थान पर विराजमान हैं, जहां पहुंचना तो कठिन है ही, साथ ही खतरनाक भी। लेकिन जब भोलेनाथ का साथ हो तो भक्त हर बाधा को पार कर जाते हैं। ये नजारा है मध्य प्रदेश के सतपुड़ांचल में बसे बालाघाट का, जिसे प्रकृति ने खूब नवाजा है। यहाँ के वन क्षेत्र और रमणीय दर्शन स्थल कौतूहल भी जगाते हैं और रोमांच का अनुभव भी कराते हैं। इन्हीं खूबसूरत वादियों में विराजे हैं गुप्तेश्वर महादेव। जैसा भोलेनाथ का स्वरूप है, वैसा ही उनका निवास स्थान भी है। गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन करना आसान नहीं है। पूरी तरह जंगलों से घिरा ये पावन धाम खतरनाक पहाड़ियों से तो घिरा हुआ है ही, साथ में खाई नुमा गहरी गुफा और पत्थरों की तंग सुरंगों से होकर यहाँ आना पड़ता है। न्यूज वर्ल्ड की टीम इन खतरनाक रास्तों और पगडंडियों से होकर गुप्तेश्वर महादेव तक पहुंची, ताकि हम अपने दर्शकों को इस दुर्गम स्थान पर विराजे भोलेनाथ के दर्शन करा सकें। भगवान शिव शंकर का जितना विराट स्वरूप है, उतने ही अनोखे हैं उनके नाम। कोई उन्हें भोलेनाथ कहता है, कोई शिव तो कोई नीलकंठ। और इसी तरह इस दुर्गम और गुप्त स्थान पर विराजने की वजह से इस दिव्य धाम का नाम पड़ा गुप्त महादेव। कहते हैं गुप्तेश्वर धाम के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और खास बात ये कि जो भक्त यहाँ उनके दर्शन के संकल्प से आता है, उनके सामने आने वाली कठिनाइयाँ खुद उसके पथ की पाथेय बन जाती हैं। रोचक किस्से कहानी के तौर पर यहाँ की जो बातें हमने सुनी थी, उसे हमें हकीकत में देखना और महसूस करना था, साथ ही अपने दर्शकों को इस हैरत अंगेज यात्रा से रूबरू भी कराना था। सो माता के धाम से हमारी टीम को कुछ गहराई में उतरने के बाद घुप अंधेरों से भरी पत्थरों की तंग सुरंगें दिखाई दी, जहां से हमें बताया गया कि अब यहां से सरीसर्प और सांप की तरह ही रेंगते हुए जाना होगा। इस सुरंग में कई जगह डरा देने वाले माहौल के बीच एकमात्र सहारा था ग्रामीणों के द्वारा महादेव और मां दुर्गा का जय घोष और जयकारा। ऐसा करने से मानो भयावह और रूह कपा देने वाली यात्रा में हमें भी गजब का आत्मबल मिलता गया। पत्थरों की सुरंग में सांप की तरह एक एक करके
एक एक कदम बढ़ाना किसी खतरे से कम नहीं था। इसी बीच लगभग 200 फीट का रास्ता तय करने के बाद एक ऐसा तंग पड़ाव आया जहां से हमारे साथ चलने वाले समिति के अध्यक्ष और कुछ लोगों के हंसने और सांस की तकलीफ के कारणों ने वापस लौटना पड़ा। रहस्य और रोमांच से भरे सफर में महादेव जी का सुरंगों में गूंजता नारा ही आत्मविश्वास बनकर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। हालांकि कुछ लोगों को सांस फूलने और वापस जाने के मामले से हमारे मनोबल पर खास असर नहीं पड़ा और रेंगते हुए किसी तरह सुरंग से जयकारा लगाते हुए हम आगे बढ़ते रहे। जहां भी थोड़ा सा समय मिलता हमारी टीम फुटेज बनाने लगती। इस वक्त हम जो है बालाघाट से लगभग 30 किलोमीटर दूर डोंगर गांव में गुप्तेश्वर महादेव के दरबार में हम जाने के लिए आए हुए हैं। बड़ा ही रहस्यमयी रास्ता है, बड़ा ही रोचक रास्ता है। हम सीधे पहाड़ से लगभग जो है 40-50 फीट नीचे हम जा रहे हैं और ये यहाँ काफी कम लोग जाते हैं और यहाँ पर जो है अभी हम आगे आगे अपने दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह का ये रास्ता है, सकरा रास्ता है जहाँ गुप्तेश्वर महादेव के धाम जाना है। यहाँ गुप्तेश्वर महादेव के अलावा और भी कई देवी देवताओं है, जैसे गणेश जी है, शेषनाग है, गौ माता का भी आकार है, यहाँ तरह तरह के हमको देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ गुप्तेश्वर महादेव पहुँचे हैं और बड़े ही रहस्यमय ढंग से यहाँ से जाना पड़ रहा है। आगे हम बताएंगे, गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन कराएंगे और बताया जाता है कि यहाँ पर जो है एक नदी है, झरना भी है और कुंड भी बना हुआ है पानी का। तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह का ये रास्ता है, अद्भुत रास्ता है। जो भी इन्हें अपनी इच्छा से मांगा है उनका इन्हें मनोकामना पूरा हुआ है और इन्हें हम भी इन्हें जो इन्हें सोच रख रहे हैं तो हमारा भी इन्हें मनोकामना पूरा हो रहा है। भगवान भोलेनाथ कण कण में विद्यमान है। देश दुनिया में जितने भी ज्योतिर्लिंग और शिवालय हैं, सभी स्थानों पर शिव की मौजूदगी का आभास हमें होता है। बालाघाट के इस गुप्तेश्वर मंदिर में भी शिव अपने भक्तों पर अलौकिक आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। जहां खुद को ही ले जाना अपने आप में किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, वहां सामान लेकर पहुंचना एक अलग ही चुनौती थी। धीरे धीरे इन सुरंगों में उड़ने वाले कीट पतंगे और चमगादड़ देवदूत बनकर बार बार ऑक्सीजन देते रहे। तभी एक और तंग पड़ाव ऐसा आया जहां से निकलना हमें लगभग नामुमकिन सा लग रहा था कि तभी हमें बताया गया कि यहां से निकलने के लिए महादेव और माता रानी का जय घोष करने पर ही सच्चे मन से निकल सकते हैं। इसी आधार पर हमारी टीम जय घोष करते हुए इस कठिन और दम घुटा देने वाले माहौल में आगे बढ़ती रही। इस पड़ाव पर भी हमारे साथ आने वाले कुछ लोग पीछे वापस हो गए। हमारी टीम लगातार आगे बढ़ती रही और इसके बाद एक पत्थरों की अजीब सी कलाकृति वाला पड़ाव आया जिसे ग्रामीणों ने बताया कि हम कुंड के पास हैं और यहाँ दिखाई देने वाले चमकीले पत्थर को गौथन कहा जाता है, जिसके नीचे छोटी छोटी शिवलिंग की भांति प्राकृतिक रूप से पत्थर मौजूद थे। इस वक्त हम जो है गुप्तेश्वर महादेव के धाम जाने के लिए निकले हैं और ये हम अभी पहाड़ जो डोंगर गांव की पहाड़ी है उसके लगभग जो है 200 से 300 फीट नीचे होंगे और ये बड़ा ही सकरा मार्ग है, बड़ा ही रहस्यमयी और रोचक मार्ग है। इस वक्त जो है हमारे साथ जो है गुप्तेश्वर महादेव के अनन्य भक्त और जो आस्था पे विश्वास रखने वाले लोग भी हमारे साथ हैं। तो हम यहाँ जानना चाहेंगे कि कैसा यहाँ का नजारा है। मेरे साथ इस बार इस समय जो मौजूद है पवन भाई मौजूद है। पवन भाई, कैसा रहा यहाँ का नजारा और कैसा रहा आपका महसूस, कैसे किए? बोलो भोलेनाथ की जय। यहाँ पर मुझे आते तक किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रही और यहाँ पर जो कलाकृति
होती है, अनेक प्रकार की कलाकृति है। सामने में हमें देखने मिला कि गाय के थन से बनी हुई कलाकृति बनी है, शिव भोले की हमने पिंडी देखा, इधर सामने नंदी देखे, अनेक प्रकार की जो कलाकृति है वास्तव में ये दर्शनीय है, वास्तव में बहुत ही दर्शनीय स्थल है ये, काफी बेहद रोचक है। यहाँ का सफर काफी जो है बिल्कुल चौंकाने वाला सफर है, महादेव जी की कृपा है जिनकी वजह से हम यहाँ पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और लगभग जो है चट्टान और पहाड़ के नीचे हम लोग हैं, और माता रानी की और महादेव जी की कृपा है, यहाँ गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन के लिए हम आ रहे हैं। ये महाराज जी हमारे साथ देखिए जो लगातार हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन करवाने के लिए, हमारे साथ आ गए हैं। तो हम जय शिवाजी और कितने दूर जाना पड़ेगा हमको भाई? यहाँ से हमको 50 मीटर नहीं होगा, या 20 मीटर ऐसे 10-15 मीटर से बस जाना। तो जो अभी जो रास्ता सो के आए थे वही एक संघर्ष वाला रास्ता था। बस सामने का ही संघर्ष तो देखा, कितने कठिनाई से निकला, हमारा एक भक्त यार तो फंस ही गया। अच्छा, इससे पहले कोई टीवी चैनल वाले आए थे क्या? टीवी चैनल वाले तो अभी तक नहीं आए, और आप ही लोग पहली बार हो जो आए। जी 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 जी। तो क्या इच्छा है कि यहाँ जो गुप्तेश्वर महादेव जी के धाम है यहाँ पर डोंगर गांव में, तो क्या होना चाहिए यहाँ आगे? क्या यहाँ क्या है, शासन को दिखाना है कि यहाँ पे गुप्तेश्वर महादेव है, शासन को भी जानकारी होना चाहिए। तो ये क्या है, टीवी चैनल के माध्यम से हो सकता है। जी जी। पहाड़ के कितने नीचे है हेमावती? यहाँ हम पहाड़ के कम से कम 500 फीट नीचे आ चुके हैं। जी जी। हमारा जो है इस ऊपर की जो स्थिति है, ऊपर की जो स्थल है, वहाँ से हम 500 फीट नीचे आ चुके हैं। और ये तो मौसम के हिसाब से यहाँ पे चेंज भी होते रहते हैं, ठंडी भी रखते हैं, गर्मी भी रखते हैं। यहाँ पे जैसे बारिश में आएंगे तो गर्मी लगेगा, और गर्मी के दिन में आएंगे तो और ठंडी लगेगा। अभी जो है एक सर्द प्रकार की गर्मी लगी हुई है, एक सर्दी भी का भी एहसास हो रहा है, और पसीना भी निकल रहा है। एक जो जमीन के अंदर जो वातावरण होना चाहिए उसी तरह का वातावरण है, जिस तरह से ये पत्थरों को पसीना आ रहा है आप देख सकते हैं, पत्थरों को जिस हिसाब से पसीना आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी है। हाँ तो इसी तरह जो है मानव शरीर में भी हमारे ऊपर देख सकते हैं आप किस तरह से पसीना आ रहा है, इसी तरह ये आ रहा है। तो अब आगे भी हम रोचक सफर को जारी रखेंगे। आगे जो है गुप्तेश्वर महादेव जी है यहाँ पर धाम विराजे हुए, वहीं पर एक कुंड है, हमसे जितना बन सकेगा महादेव जी की कृपा से उतना हम दिखाने की कोशिश करेंगे। कहते हैं गुप्तेश्वर महादेव की लोगों पर बड़ी अनुकंपा है जो सबकी मुराद पूरी करते हैं। यहाँ भक्त हर साल सावन और महाशिवरात्रि के मेले में बड़ी तादाद में पहुँचते हैं। गुप्तेश्वर महादेव पर भक्तों की अटूट आस्था है और कई किस्से भी हैं। बताया जाता है कि यहाँ आने वाले कई वर्षों से निसंतान माँ की गोद भी गुप्तेश्वर महादेव की कृपा से भर गई, तो कई जन्मजात गूंगों की जुबान खुल गई। इस तरह कई पीड़ाओं को हरने और चमत्कार स्वरूप मिले वरदान की बातें महादेव के भक्त खुद बताते हैं। आया था व्यक्ति क्या है वो 28 वर्ष के हैं, यानी क्योंकि जो जन्म से बोलते नहीं बाबा के पास में आने में एंटी उनका भी बोलना जबान खुला हुआ है। ये तो रही आस्था और विश्वास की बातें, अब हम भोलेनाथ के इस मंदिर की अलौकिक महिमा और उन सिद्ध स्थानों के दर्शन आपको करवाते हैं जो हमें आश्चर्यचकित भी करते हैं और दैवीय चमत्कार का आभास भी कराते हैं। घने पहाड़ों और पत्थरों की गुफाओं के नीचे गुप्तेश्वर महादेव के अलावा बताया गया कि माँ दुर्गा की स्थापित की गई प्रतिमा भी है जो गुफाओं में विराजित है। यहाँ प्राकृतिक रूप से गौथन पत्थर के नंदी, सांप, हाथी और शेषनाग की साक्षात प्रतिमा होने की बात बताई गई है। इसके अलावा सैकड़ों फीट गहराई पर जमीन के नीचे छोटी नदी भी बहती है। यहाँ का प्राकृतिक नजारा बेहद खूबसूरत है, साथ ही सुरंगों में जाने पर
तमाम खतरे और कठिनाइयों के बारे में बताकर भी ग्रामीणों द्वारा आगाह किया गया था। लेकिन सभी भक्तों का मानना है कि इस रोमांचक यात्रा में गुप्तेश्वर महादेव स्वयं अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। इस वक्त हम जो है गुप्तेश्वर महादेव के धाम जा रहे हैं। ये बालाघाट से 30 किलोमीटर दूर डोंगर गांव की पहाड़ी है, जिसके लगभग हम कितने फीट नीचे होंगे बाबा जी? अभी कम से कम हम 300 फीट से 400 फीट के पास आ गए हैं। तो अभी आपने क्या क्या देखे? अभी जो माता जी का दरबार देखे और क्या क्या है वहाँ जो पत्थर की कलाकृतियाँ थी? कलाकृतियाँ तो अनेक प्रकार की, उसके दृश्य के बारे में हम वर्णन नहीं कर सकते। मगर आगे यहाँ से हम दो कदम आगे गौथम मिलेंगे, जो प्राकृतिक का देखने का दृश्य है। जो तो अभी अभी और यहाँ अंदर में क्या क्या है? इसके अंदर भगवान शिव जी का विशाल मंदिर बना है, जिसे गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ नदी और वो भी है बोलते कुंड, नदी उसके आगे है। कम से कम मंदिर है जो शिव जी का, गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर बना है जो प्राकृति से निर्मित है। उसके आगे आपको शेषनाग भी देखने को मिलेंगे, मगर अभी हम गुप्तेश्वर महामंदिर मंदिर तक ही जाएंगे। तो सामान्य तौर पर क्या दर्शन किया जा सकता है कि यहाँ बड़े जद्दोजहद करके आना पड़ता नहीं, है? नहीं भाई, यहाँ अपने प्राण को हाथेरी पे देकर आना पड़ता है। तो यहाँ जो महादेव की कृपा बनी हुई है, आज तक ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है? नहीं, आज तक किसी को कोई चोट नहीं आया न खोज हुआ है। जी जी जी, हर हर महादेव। जैसा कि अभी बता रहे हैं बाबा जी कि यहाँ पर जो है बड़ा ही रोचक और रहस्यमय रास्ता है, और हमें आप देख सकते हैं किस हालत में हम यहाँ पर है, और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गुप्तेश्वर महादेव जी के धाम तक हम पहुँच जाए। यहाँ पर सबसे बड़ी रोचक चीज है कि जो पत्थर में नक्काशी और जिस हिसाब से वो प्राकृतिक रूप से हमको देखने को मिला, वो बेहद ही हैरत करती, जैसा मानो किसी ने बनाया हो, आकृति बनाया हो। लेकिन हमने यहाँ पर जैसे पूछे ग्रामीणों से और यहाँ बाबा से, तो उन्होंने बताया कि ये जो है प्राकृतिक है और ये प्राकृतिक बना हुआ है। और ये अब मैं जैसे कि बता दूं, नीचे का जो नजारा है, यहाँ टेम्परेचर कुछ बढ़ता जा रहा है, जैसे कि अभी देख सकते हैं कि हमारे माथे पर पसीना भी आते जा रहा है। तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, एक सुरंग के नीचे है हम लोग, और लगभग जो है 100-150-200 के ऊपर फीट के नीचे हम लोग यहाँ पर हैं। तो हम दर्शकों को, अपने दर्शकों को जल्द ही जो है गुप्तेश्वर महादेव और वहाँ बने हुए कुंड को दिखाएंगे, चूंकि पहाड़ के बिल्कुल नीचे है, ये मानिए कि जमीन के नीचे है। तो अब आगे देखते हैं कि हम कितने संघर्ष के बाद वहां तक पहुंच पाते। ये एक बड़ा ही सकरा मार्ग है। हाँ जी, लगातार आ रहे हैं, सांप की तरह अपने को चलना है यहाँ से, और बड़ा ही अद्भुत नजारा है। कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ में हैं। अब भोलेनाथ के दर्शन की अभिलाषा है। यहाँ से 10 कदम पे हमको गौथन का आकृति देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, ऊपर में कपड़े उतरवा दिए गए थे, तो अब समझ आ रहा है कि कपड़े उतारना ही सही था। जिस हिसाब से यहाँ का रास्ता है, सकरा रास्ता है, सुरंग है, और बड़ा ही सकरा मार्ग है, बड़ा ही संघर्ष करके भक्तों को यहाँ पर आगे बढ़ना पड़ता है। धर्म, आस्था और रोमांच गुप्तेश्वर महादेव की यात्रा इन तीनों की ना सिर्फ अनुभूति कराता है, बल्कि भक्तों को एक अलग ही संसार में होने का आभास कराता है। भगवान भोलेनाथ जितने भोले हैं, उतने ही दुर्लभ और कठिन स्थानों पर है उनका वास। महादेव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करें, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर।